आया, बट काफी सारे मॉब जरूर नजर आ गए हैं जिनको मार के मैंने अपनी एक्सपी बढ़ा लिया। बाकी उस तरफ मेरा एक क्रीपर है जो कि मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। बजाओ जाओ ब्लास्ट, बजाओ जाओ ब्लास्ट, पीछे से भी जाऊंगी आगे से भी जाऊंगी। पीछे से तो ये है पहले पिटेगा बेटा, और इसकी भी मेरे को बोन भी कलेक्ट करनी है। एक मिनट रुको, बोन कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डॉग मिलेगा ना तो वो बोन से ही मेरे पास आने वाला है। बाकी यहाँ पर तू ज्यादा डरा रहा है भैया। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल रात से लेकर ना पूरा का पूरा दिन होने वाला है, और पूरी रात में बस इन ज़ॉम्बीज से लड़ता रहूंगा। और भाई साहब ये क्या हो गया एकदम झटके से, भाई दो क्रीपर आ गए सामने, मेरे को समझ नहीं आ रहा किसको मारूं। और मैंने दोनों पर एक एक अटैक कर दिया और दोनों में से कोई नहीं मरा, उल्टा दोनों ब्लास्ट हो गए। अभी फिलहाल यार देखो दिन हो गया है, इतने ज्यादा मैंने यहाँ पर मॉक्स मार के ना अपना इलाइट्रा तो रिपेयर नहीं करा, बट हाँ कि अगर हम इन दोनों को क्राफ्ट कर देंगे ना, इनको क्राफ्ट करके हम लोग एक सी लैंटर्न बना सकते हैं। हम लोग जब वापस जाएंगे तो उसे भी कलेक्ट करते हुए चलेंगे। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताया ही भूल गया, मेरे को स्पॉन्ज भी एक मिल गया जो कि शायद से बहुत ज्यादा रेयर आइटम है। तो भी फिलहाल मैंने गलती ये करी थी कि स्पॉन्ज ना एक ही बार काम करती है, दूसरी बार काम कराने के लिए दोबारा से फर्नेस में डालना पड़ता है। एक काम करता हूँ, थोड़े से ना कॉबल स्टोन में कलेक्ट करता हूँ इसको, हम लोग दोबारा से एक वेट स्पॉन्ज से नॉर्मल स्पॉन्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक फर्नेस। ओ मेरे पास कोबल स्टोन हो रहा है, बट कोई नहीं, मैंने फर्नेस बना लिया, इसको यहाँ पर रखते हैं अंदर स्टोन। और अभी देखना ये सूख जाएगी ना, उसके बाद काफी बढ़िया काम करती है। बाकी तो बिना फिलहाल गाइस जल्दी से यहाँ पर जो विलेजर्स के अंदर सारा सारा सामान लूटते हैं एंड फटाफट से दुकान से निकल लेते हैं अपने एडवेंचर पर। अभी मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, बट अभी ना थोड़ा बहुत मैं खाना कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास खाना ज्यादा नहीं बचा, इसलिए वाला जो विलेज है ना मैं इसे लूट वाला हूँ दबा के। तो भी जल्दी से हम लोग पहले यहाँ पर अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई साहब के घर के। ओ हो भाई काफी सारी ब्रेड रखकर बैठे हैं भाई साहब जी। ओके तो पोटैटोज भी कलेक्ट।